जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस का एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट, जिससे जेई मेन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जेई एडवांस में पूछा गया था। तो एक ऐसा छोटा सा कंसेप्ट बहुत ही इजी है, जो जेई मेन और जेई एडवांस में काफी बार उससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और मेरा पूरा ये भरोसा है कि ये कॉन्सेप्ट आप सीखने के बाद यदि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया तो आपका छूटने वाला नहीं है, आपका एक क्वेश्चन तो पक्का हुआ भी है पेपर में। आइए मैं आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। बच्चों ऐसा कुछ होता है, कोई मैट्रिक्स हो, कोई एक मैट्रिक्स है A1, A2, A3, A4, मैंने इसको ऐसे लेट कर लिया है, एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके, मतलब एम इंटू एम ट्रांसपोज, भी ट्रांसपोज पता है ना, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो m into m transpose, m कोई मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स के सम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो मैं बताता हूं आपको कि किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम आता है वो बेसिकली कितना आता है। देखिएगा बच्चों ध्यान से, ये मैट्रिक्स मैंने एक m लेट किया है, इसका ट्रांसपोज किया जाए, प्यार बच्चों ट्रांसपोज करेंगे जो रो है वो कॉलम बनेगा, So, ये ऐसा बन जाएगा। अब इनको करना है मल्टीप्लाई, याद है भी रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, A1 का A1 से होगा और A2 का A2 से होगा, सो इट विल बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अब चूंकि मुझे डायगोनल एलिमेंट्स के ही बारे में डिस्कस करना है तो यहां एलिमेंट क्या आएगा, यहां क्या आएगा, उससे मुझे कोई खास लेना देना है नहीं, अब मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए। ये एलिमेंट कैसे आएगा भी, जब आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आएगा बच्चों A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर, ये बच्चों आ गया है। अब देखिएगा इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इधर A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर, यदि इनके सम की बात की जाए, सम तो क्या आएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, बच्चों पता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग ट्रेस भी कहते हैं, सो वो आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस A4 स्क्वायर। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेरा मैट्रिक्स था इसके जो एलिमेंट्स थे उनके स्क्वायर्स का सम होता है, तो m इंटू m ट्रांसपोज, मतलब किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है वो बेसिकली इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम होता है। अब बच्चा पूछ रहा है सर क्या ये वाली बात थ्री वाले मैट्रिक्स के लिए भी होगी क्या सही, 3x3 का यदि मेरा मैट्रिक्स है क्या उसके लिए भी ये बात सही होगी, बिल्कुल भाई 100% सही होगी, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 3x3 का मैट्रिक्स होगा उसमें यहां एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आएगा और एक यहां आएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। अब बच्चा पूछ रहा है सर यहां तो आपने पहले m लिखा फिर m ट्रांसपोज लिखा, यदि मैं उल्टा कर दूं तो पहले m ट्रांसपोज लिख दूं और फिर m लिख दूं तो भी डायगोनल एलिमेंट्स का सम सेम आएगा, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं आएंगे, उसमें यहां a1 स्क्वायर a3 स्क्वायर आएगा या a2 स्क्वायर a4 स्क्वायर आएगा, लेकिन जब उनका आप सम करोगे तो यही आने वाला है। तो क्या सीख लिया है मैंने, यदि किसी मैट्रिक्स को मैं उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करता हूं उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब मैं बच्चों को क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, जेई एडवांस वाले क्वेश्चन में दिखा रहा हूं आपको, वैसे जेई मेंस में बहुत बार पूछे गए हैं, कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था इससे भी, ये रहा भी क्वेश्चन, अच्छा देख लीजिए अभी एक बार क्वेश्चन कहा है, हाउ मेनी 3x3 मैट्रिक्स इज एम विद एंट्रीज फ्रॉम 0, 1, 2 आर देयर फॉर विच द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ m ट्रांसपोज इंटू m इज 5। जैसा मैंने कहा पहले ट्रांसपोज लिखाओ बाद में m लिखाओ या पहले m लिखाओ बाद में ट्रांसपोज लिखाओ, डायगोनल एलिमेंट्स का सम सेम ही आता है। तो उसने पूछा है सर 3x3 के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, भाई जो 3x3 का मैट्रिक्स होता है प्यारे बच्चों वो कुछ ऐसा होगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, इस तरीके से मेरा एक मैट्रिक्स होगा। तो जब m ट्रांसपोज इंटू m के डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होगा वो इन सब के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, वो क्या होगा अभी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अप टू a9 स्क्वायर, ये आएगा बच्चों डायगोनल एलिमेंट्स का सम
एम ट्रांसपोज इंटू एम में, और ये कितना गिवन है मुझे, ये गिवन है मुझे 5। और क्या कहा है, जो एंट्रीज है, एंट्रीज मतलब भैया ये जो वैल्यू रखी है यहां एलिमेंट्स जो ये है इसके, यही तो होती है एंट्रीज। ये एंट्रीज आपको कहां से लेनी है, 0, 1 या 2 से लेनी है, मींस जो A1, A2, A3 से लेके A9 तक हैं, इनके वैल्यू 0, 1 या 2 में से ही कोई एक होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां मैंने कर दिया स्क्वायर, तो जैसे जो A1 स्क्वायर है उसका वैल्यू या तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, या तो A1 स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा, या तो A1 स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा। इसका मतलब जो सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं इनका वैल्यू या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा। तो हमारे पास 9 नंबर्स हैं जिनको ऐड करके मुझे लाना है 5, और वो नंबर्स हो क्या क्या सकते हैं, 0, 1 या 4, ये नंबर्स हो सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है जी, वो मैं लिख के एक बार देखता हूं। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपको सम 5 लाना है, तो आप 5 टाइम्स लीजिए 1, 5 टाइम्स 1 एंड 4 टाइम्स 0, तो बन जाएगा देखो 5, इन 9 एलिमेंट्स का सम 5 आ रहा है। या तो क्या हो सकता है, आप 1 को 1 टाइम लीजिए और एक बार 4 लीजिए और बाकी सब बना दीजिएगा 0, 1 आए 4 आए और बाकी सब 0। अरे ये समझ में आ रहा है 4 कहां से आया, अरे भाई जो एंट्रीज है वो 0, 1 या 2 में से है, तो जिस एंट्री का वैल्यू आप 2 रखोगे उसका स्क्वायर करके 4 हो जाएगा। देखो ये दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब यहां देखिए ये जो 1 वैल्यू है वो A1 का भी हो सकता है, A2 का भी, A3 किसी का भी हो सकता है, मतलब इन सब के क्या हो सकते हैं, अरेंजमेंट हो सकते हैं। यहाँ कितने ऑब्जेक्ट है, टोटल 9 है, 9 को अरेंज करना है, उन 9 में से 5 सेम है, 4 दूसरे टाइप के सेम है, सो इनको अरेंजमेंट के तरीके होंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 126। यहां मैं देख रहा हूं सेकंड वाले बच्चों, सो टोटल 9 है और उनमें से 7 सेम है, 7 जीरोज हैं, इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 72। तो 126 यहां से आए, 72 यहां से आए, दोनों को ऐड कर दीजिए, सो जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो 198, जो टोटल मैट्रिसेस नंबर ऑफ मैट्रिसेस होंगे वो कितने होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो होंगे 198। ये देखो जेई एडवांस का कितना इजी क्वेश्चन है, मेंस भी कई बार आ चुका है, आपके पेपर में भी आ सकता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखें। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, मतलब कि एम ट्रांसपोज इंटू एम लिखें या एम इंटू एम ट्रांसपोज लिखें, दोनों ही केस में जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है वो सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बच्चों उम्मीद है कंसेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आ गया है। यदि ऐसी और कंसेप्ट आप चाहते हैं मैं आपको बताता जाऊं, या कुछ आप चाहते हैं कि ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे समझाएं, बड़ी दिक्कत आ रही है, कमेंट में कर दीजिए भैया, सारे सॉल्यूशन आपको करा दिए जाएंगे, आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर कर दी जाएगी। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।